खून का खताखत करते हैं राहुल जी। मुसलमान समाज में जाओ, एक एक पट्टी एक एक पट्टी को खताखत 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 तलाक देते हैं। ২০২৪ के चुनाव के मद्देनजर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा इन दिनों कई राज्यों में पहुंचकर अपनी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर अपनी बात रखी। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। आइए आपको दिखाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने इस दौरान क्या कुछ कहा। मैं मुसलमान माताओं के बीच में जाता हूं, मैं पूछता हूं, माताजी तुम्हारा कैसा है, तकलीफ है? बोले देखिए बाबा, कल एक नया शादी हो गया, मुझको 10 साल पहले शादी किया, आज मेरा पति ने दूसरा शादी किया। तीसरा मां को पूछने जाता हूं, बोले मेरा घर में तो तीसरा आ चुका है। किसी ने बोलता है मेरा घर में चौथा आ चुका है। आप बताओ, अगर वो बेटी आपका बेटी होते थे, मेरा बेटी है एक, क्या मैं इसको घर में शादी करूं दूंगा? पहले जिसका 3-3 पत्नियां हैं, मर जाऊंगा, लेकिन मेरा बेटी को ऐसा घर में मैं शादी नहीं करने दूंगा। लेकिन आज आप मुसलमान समाज का हालत देखो, कुछ नहीं कर सकते हो। मुसलमान मां लोग रोते हैं, तलाक दे देते हैं, तलाक तलाक तलाक, कहीं नहीं खत्म, चला जाओ, ये बोलते हैं ना राहुल जी, खटाखट खटाखट, वही खटाखट होता है मुसलमान मां को, एक तलाक खटाखट, एक तलाक खटाखट, एक तलाक खटाखट, फटाफट हो गया। ये कौन सा खटाखट करता है राहुल जी? मुसलमान समाज में जाओ, एक एक पत्नी को खटाखट 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 तलाक देते हैं। आप सच्चा खटाखट सुनो, सच्चा खटाखट का आवाज सुनो। आप जो खटाखट बोल रहे हैं वो खटाखट नहीं है, मेरा मुसलमान मां बहिना रो रहा है, ये खटाखट का कारण। ये जो मुसलमान पोतियों का अधिकार है ना, खटाखट 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 तलाक देने का कारण वो लोग रोते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी को सार सुन, हमें ये चार साल शादी करने का दुकान बंद करना है, हमें देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, तैयारी पूरा है, फाइल में दस्तखत भी हो चुका है, खाली आपका 400 सीट का इंतजार है। ये खटाखट खटाखट का दुकान बंद कर देगा। जो लोग सेकुलरिज्म का बात बोलते हैं, जो दुर्गा पूजा को उत्सव करने का बात करते हैं, मैं वो लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो बीवियों का, जो एक मर्द का 4 साल बीबिया होने से उनका ऊपर क्या गिरफ्ता है, उनका हालत क्या होता है, वो जाके एक बार नजदीक में देखो, फिर जाके सेकुलरिज्म हमें समझाओ ममता जी। आज जाके देखो, बीबी घर में है, पति के लिए खाना बना के बैठा हुआ है, पति घर में आया और बुला के बुला तलाक तलाक तलाक, खाना खाना का जगह में रह गया, और आपका जीवन का जो बंधन था आप मुक्त हो गया, अब आगे पीछे आपका कुछ भी नहीं। ये सेकुलरिज्म है।